जयपुर व्यापार महासंघ व्यापारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर सरकार और प्रशासन से खास नाराज हैं। इसके चलते जयपुर के व्यापारी 15 फरवरी से बड़ी चौपड़ पर धरना देकर आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं। जयपुर व्यापार महासंघ और उससे जुड़े संगठन के सदस्यों का कहना है कि सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की, उनकी समस्याओं का अब तक समाधान नहीं हुआ है। जयपुर के व्यापारी ई रिक्शा संचालन, ट्रैफिक जाम, बाजारों में हो रहे अवैध अतिक्रमण, परकोटे में हटवाड़ा मेट्रो ट्रेन और सुविधाओं के संबंध में सरकार और प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। बैठक में सरकार और प्रशासन के खिलाफ व्यापार महासंघ से जुड़े पदाधिकारी खास नाराज नजर आए। हमारे परकोटे की जो स्थिति नगर निगम, यातायात विभाग और मेट्रो के द्वारा जो स्थिति पैदा कर दी गई है, उससे परकोटे का पूरा व्यापार और परकोटे से पलायन की व्यवस्था बन चुकी है। इसके ऊपर में अधिकारियों द्वारा जो नेता नागरिकों को मंत्रियों को कहा जाता है, वो गलत आश्वासन दिया जाता है, उनका गुमराह किया जाता है और हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती। आज तक हमारे द्वारा महासंघ के द्वारा 5 साल के अंदर में सरकार को इतने लेटर दिए, इतने ज्ञापन दिए, हमें आश्वासन बहुत मिले, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। हेरिटेज सिटी, स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी इस परकोटे को बर्बाद करके खत्म कर दिया। अब हम परकोटे के अंदर में हम एक बार ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन ये अंदर में उन्हें 10 दिन में हमारी सुनवाई नहीं करी तो 15 तारीख को हम बड़ी चौपड़ से धरना प्रदर्शन करेंगे, उसमें भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम जयपुर शहर को बंद करने की प्लानिंग करेंगे अनिश्चितकालीन के लिए। जयपुर व्यापार महासंघ की अत्यावश्यक मीटिंग बुलाई गई क्योंकि जयपुर की चार दीवारी आज विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहुँचे और हम चाहते हैं कि चार दीवारी में ही पूरे राजस्थान का व्यापार और उनके पहुँच के चार दीवारी के और समस्त जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष महामंत्री थे त्रस्त होकर ट्रैफिक को लेकर के, ई रिक्शा को लेकर के सुलभ नहीं होने की वजह से मेट्रो जो बड़ी चौपड़ पर बना हुआ स्टेशन उसके नीचे पार्किंग को लेकर एक बहुत बड़ी बात हम सरकार से लगातार जो है निवेदन करते चले आ रहे हैं 7 साल से, सरकार हमारी बात नहीं, अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो 15 तारीख से शुरुआत में हम गणेश जी महाराज की शपथ लेंगे और बड़ी चौपड़ पे धरने पर बैठेंगे और भूख हड़ताल शुरुआत से लेंगे और हमारी बात नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को लंबा लेंगे।